दोस्तों, आप हमारे चैनल पे जिसका नाम एसके एडवांस इन्फो है। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं जो ईपीएफओ ने अमेंडमेंट पास किया है एडवांस पीएफ के बारे में, जिसको जो है सभी लोगों को इसको अवेयर किया जा रहा है ईमेल के द्वारा और जो है एसएमएस के द्वारा, कि आप आपका जो एडवांस जो अमाउंट आप निकाल सकते हैं ईपीएफओ का। तो मैं आज इस वीडियो में आपको पूरा इन डिटेल्स, इसमें क्वेश्चन आंसर सेशन रखने वाला हूँ। 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए मैंने पिक किया है, मैं अपने नोट्स में लिखा हूँ और मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसका आंसर। ये वीडियो अवेलेबल नहीं है यूट्यूब पर, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें ताकि आपको सारी जानकारी मिल जाए। तो पहले शुरू करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन कि इसमें जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि क्या मैं इसमें पेंशन अमाउंट निकाल सकता हूँ। तो पहला आंसर इसका जो, इसका आप पेंशन अमाउंट नहीं निकाल सकते, सिर्फ आप एडवांस, आप जब क्लेम करेंगे तो आपको एडवांस 31 ऑप्शन दिखाई देगा, सिर्फ आप एडवांस निकाल सकते हैं, तो इसमें पेंशन अमाउंट नहीं आएगा। ये क्लियर हो गया। अब सेकेंड आता है कि मुझे कितना अमाउंट मिलेगा। एक्चुअली बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि मुझे एम्प्लॉय शेयर का 75% आएगा कि एम्प्लॉयर शेयर का 75% आएगा। तो मैं अभी आपको एकदम क्लियर बता दे रहा हूँ, आप प्रॉपर सुन लीजिए। आपका जो बेसिक सैलरी है या और प्लस डीए यानी 3 मंथ्स का वो आएगा आपको, वो आ सकता है, या फिर उसके बाद आपको जो आपका एम्प्लॉय शेयर और एम्प्लॉयर शेयर का 75% यानी आपका पीएफ का अमाउंट जो एम्प्लॉय शेयर होता है, आप पासबुक ओपन करेंगे तो आपको दिखेगा, यानी एम्प्लॉयर शेयर और एम्प्लॉयर शेयर का 75% अमाउंट वो हो गया, या फिर उसके बाद या बेसिक सैलरी का प्लस डीए 3 मंथ्स का, तो जो भी कम होगा उसके हिसाब से वो आपको देंगे। तो जब भी आप क्लेम करने जाएंगे अभी एडवांस फॉर्म नंबर 31, तो एक बार आप पासबुक ओपन कर लीजिएगा। फॉर एग्जांपल अगर आपका 60,000 है या कुछ भी अमाउंट है तो उसका आप कैलकुलेशन कीजिए, यानी आप अगर 60,000 है फॉर एग्जांपल, लेट्स टेक एन एग्जांपल, इफ़ योर पीएफ अमाउंट इज 60,000 तो आप उसे कैलकुलेट कीजिए 75%, तो आई थिंक अराउंड 45,000 के बिटवीन आपको अमाउंट होगा। तो आप जो है जब आप क्लेम करेंगे तो आप 44,000 या उतना 44,000 तक आप अमाउंट डाल लीजिए, मतलब जैसे कि उतना आप जो है वहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए उतना अमाउंट, क्योंकि आपको 75% आपको एम्प्लॉयर शेयर या एम्प्लॉयर शेयर का आपको अमाउंट आएगा, या मिनिमम या तो फिर बेसिक सैलरी प्लस जो है डीए 3 मंथ्स का। तो ये क्लियर हुआ आपको, ये वापस से मैं आपको एक बार बता देता हूँ, बेसिक सैलरी प्लस डीए या हो सकता है कि एम्प्लॉयर शेयर या एम्प्लॉयर शेयर का 75% आपको अमाउंट आए। तो आप ये हमेशा जो है प्रॉपर आप जैसे कि आप लिख लीजिए और कैलकुलेट करिए जब भी आप क्लेम करेंगे। अब आता है कि थर्ड क्वेश्चन, अगर फॉर एग्जांपल अगर मेरा केवाईसी पेंडिंग है, यानी जैसे कि मैं केवाईसी मींस आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक डिटेल्स की बात कर रहा हूँ, अगर वो आपका पेंडिंग है तो आपको ये नहीं, आप जो फ़ायदा है ये सुविधा आप जो है यूज़ नहीं कर पाएंगे, ये फैसिलिटी यूज़ नहीं कर पाएंगे। अगर आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक डिटेल्स प्रॉपर है, एकदम क्लियर है आपका एज़ पर आधार कार्ड या एज़ पर पैन या एज़ पर प्रॉपर एकदम आपका सब है प्रॉपर अपडेट विथ करेक्ट इन्फॉर्मेशन, तो आप जो है ये यूज़ कर सकते हैं। अब आता है कि फोर्थ क्वेश्चन कि मैं क्या ऑप्शन सेलेक्ट करूँ जब मैं क्लेम करता हूँ, तो वहाँ पे कई से ऑप्शन आते हैं, जैसे इलनेस हो गया, पावर कट हो गया या परचेस ऑफ हैंडीकैप इक्विपमेंट हो गया, तो ये सब ऑप्शन देखते हैं, तो उसमें मैं कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करूँ। तो आपको जो रीज़न सेलेक्ट करना है वो है आउटब्रेक कोविड-19, ये करके एक ऑप्शन रहेगा वहाँ पे, आप उस पर क्लिक कीजिए और उसके बाद आप आगे जो है आप जो भी डिटेल्स आपको डालना है, जैसे आपका चेकबुक अपलोड करना है, आपका एड्रेस डालना है, फिर जनरेट ओटीपी करके आपको आधार कार्ड पे, अगर इनकेस आपका आधार कार्ड नंबर अपडेट नहीं तो आपको पता है कि आपका क्लेम नहीं होगा, तो आप आधार कार्ड नंबर भी अपडेट होना कंपलसरी है, मैंडेटरी है पीएफ निकालने के लिए। अब आता है फिफ्थ लास्ट क्वेश्चन, जो मेरे हिसाब से क्या मैं फॉर्म नंबर 19 या फॉर्म नंबर 10 से मुझे दिखेगा, तो मैं आपको बताना चाहूँ फॉर्म नंबर 19 और 10 से आपको नहीं दिखेगा। जब आप ऑनलाइन सर्विस में जाके क्लेम करेंगे तो फिर आपको सिर्फ वहाँ पे ऑप्शन आएगा एक, सिर्फ फॉर्म 31 एडवांस। तो होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लग सके, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैंने 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दिया इसमें, और मुझे बहुत से ऐसे कॉल आए हैं, एक्चुअली मेरे सारे फ्रेंड मुझे सुबह से तंग कर दिए, मुझे कॉल करके पूछ रहे कि ये क्या है क्या है, क्योंकि सबको मैसेज आ रहा है और ये बहुत अच्छी चीज़ें लाई, इसीलिए हमें जो है गवर्नमेंट को यानी ईपीएफओ को एक शुक्रिया करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि ये ऐसी कंडीशन चल रही है, ऐसी सिचुएशन चल रही है जहाँ पे सब लोगों को पैसे की प्रॉब्लम हो रही है, तो ईपीएफओ ने डिसाइड किया और ये जो है फैसिलिटी लेकर आए है। तो होपफुली वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो जाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मिलते हैं।